तो क्या अर्थ है? क्या जीवन का अर्थ बस यही है, उठना बैठना, खाना पीना, चलना सोना और अंततः मर जाना? क्या यही जीवन है या जीवन कुछ और भी है इसके परे, इससे आगे? समझेंगे इसको। ये तुम जो भी कुछ कर रहे हो, जो दिखाई देता है भौतिक रूप से, याद रखना एक अच्छी मशीन भी ये सब कुछ कर सकती है। अगर तुम अपनी भौतिक जैविक क्रियाओं को ही जीवन समझ रहे हो तो मशीन बनाई जा सकती है जो सांस ले, क्योंकि क्या है सांस लेना? हवा अंदर जाती है, उसका ऑक्सीजन किन्हीं दूसरे मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करता है और कुछ बन जाता है, और फिर एक पंप है जो उसको वापस बाहर भेज देता है, ठीक है ना? यही है। तो सांस लेना तो एक यांत्रिक कृत्य हुआ, कोई भी मशीन कर सकती है। इसी प्रकार बाकी सब जो तुम करते हो वो कोई रोबो भी कर सकता है, एक अच्छा सुविकसित रोबो वो सारे काम कर सकता है जो हम अन्यथा जीवन भर करते ही रहते हैं, ठीक है? वो चल सकता है, उसमें सोचने की शक्ति भी लाई जा सकती है, क्योंकि सोच क्या है? तुम्हारे ही भीतर डेटाबेस है और तुम्हारे ही भीतर प्रोग्राम है, इसी का नाम सोच है। सोचते वही हो ना जो तुम्हारे पुराने अनुभवों में शामिल है, नया तो कुछ सोच नहीं सकते। एक रोबो में ये शक्ति भी डाली जा सकती है। देखना सुनना तो साधारण सी बात है, ये कैमरा ही कर रहा है तो रोबो तो कर ही सकता है, समझ रहे हो बात? तो निश्चित रूप से इनका नाम तो जीवन नहीं हो सकता, जीवन कुछ और है। जीवन कुछ ऐसा है जो रोबो के लिए कभी संभव नहीं पर तुम्हारे लिए संभव है। क्या है? इस कैमरे का उदाहरण ले लेते हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ वेव्स हैं, और मैं जो दिख रहा हूँ वो भी कुछ नहीं है, वो सिर्फ वेव्स हैं। वो तुम्हारी आंखों पे पड़ रही हैं, तुम्हारे कानों पे पड़ रही हैं, ठीक उसी तरह इस कैमरे पे भी पड़ रही हैं। तुम तो कुछ भुला भी दोगे पर ये कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, एक एक बात, लेकिन फिर भी इसे मिल कुछ नहीं रहा। तुम यहां से जाओगे तो कुछ ले करके जाओगे, इसे कुछ नहीं मिल रहा। वही है जो तुम्हें इंसान बनाता है, कि तुम्हें कुछ मिल सकता है, तुम कुछ समझ सकते हो, और ये समझ किसी भी मशीन के पास कभी नहीं हो सकती। ये जो समझने की क्षमता है इसी का नाम जीवन है, और ये नहीं है अगर तो फिर जीवन जीवन नहीं है, मरे के समान ही है। जिस किसी में समझने की क्षमता नहीं है, जो बंधी बंधाई धारणाओं पर, मान्यताओं पर, रूढ़ी रिवाजों पर, परंपराओं पर चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, दूसरों का गुलाम भर है, वो जिंदा है ही नहीं। वो चल रहा है, सांस ले रहा है, खाना खा रहा है, पर उसको जिंदा मत समझना, वो मरा हुआ है, बिल्कुल मरा हुआ है। इसीलिए किसी से एक बार जब पूछा गया कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है, तो उसने कहा पहले ये पता करके आओ कि क्या मृत्यु से पहले जीवन है। हम में से ज्यादातर मर चुके होते हैं 15-16 साल की उम्र में ही, उसके बाद बस हम अपनी लाश ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति विवेक पे नहीं चल रहा वो मरा हुआ ही है, एक मशीन की भांति है वो, ठीक वैसे जैसे कैमरा हमारा गुलाम है।